हेलो फ्रेंड्स, चलिए टैली सीखते हैं। ये सेशन रहेगा कि आप टैली से एक्सेल के अंदर कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, टैली डाटा को एक्सेल के अंदर कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ओपन योर टैली, अपनी टैली खोलिए। टैली खोलने के बाद जो भी कंपनी का डाटा आपको एक्सपोर्ट करना है, जिस भी फाइल का डाटा एक्सपोर्ट करना है, आप वो कंपनी खोल लीजिए। ऑल्ट F1 से आप अपनी कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको प्रॉपर पाथ देकर आप अपनी कंपनी को ओपन कर सकते हैं। सो दिस इज द कंपनी जिसका मैं डाटा एक्सपोर्ट करूंगी। चलिए मान लीजिए मुझे सेल लेजर का एक पर्टिकुलर मंथ का डाटा एक्सपोर्ट करके क्लाइंट को मेल करना है, तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस पर गई, सेल लेजर खोला। यहां पर यहाँ GST सेल 18% मुझे वो सेल एक्सपोर्ट करके क्लाइंट को मेल करनी है, वो भी अप्रैल मंथ की। तो मैंने अप्रैल मंथ पे जाकर क्लिक किया तो ये सारे के सारे वाउचर्स आ गए जो बेसिकली मुझे मेल करने हैं, एक्सपोर्ट करने हैं। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ऑल्ट ई दबाना है। दोबारा बता रही हूँ, ऑल्ट ई दबाना है, आपके पास एक्सपोर्टिंग लेजर का ऑप्शन आ जाएगा। उसके अंदर बहुत सारे फॉर्मेट्स आपको दे रखे हैं, एक्सेल, HTML, तो मैंने एक्सेल सेलेक्ट किया। यहां से आप अपनी एक्सपोर्ट लोकेशन थी, आपको सेव कहां करना है, फाइल का नाम, मैं यहां पर सेल अप्रैल दे रही हूं उसको, शीट का नाम, और यहां पर बाकी सारे ऑप्शंस को यस करते हुए नीचे आ जाना है, एक्सपोर्ट यस। जैसे ही एक्सपोर्ट होगा वो फाइल ऑटोमेटिकली अपनी खुल जाएगी एक्सेल फॉर्मेट के अंदर। तो देखिए बहुत इजी तरीका था इसको एक्सपोर्ट करने का, एक्सेल फाइल खुल चुकी है। आपको इसमें कुछ अमेंडमेंट करनी है क्लाइंट को भेजने से पहले, तो आप वो बेसिकली कर सकते हैं यहाँ पर। और अगर आपको इसकी लोकेशन याद नहीं रही चेंज करना, तो आप यहाँ से सेव एज के ऑप्शन पर जाकर इसको डेस्कटॉप पर भी सेव कर सकते हैं। अब देखिए ये डेस्कटॉप पर सेव हो चुकी है, यहां से आप अपने क्लाइंट को ये डाटा पूरी की पूरी फाइल मेल कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट द एक्सपोर्टिंग द टैली डाटा इन द एक्सेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू लाइक इट।